उससे तो मुझे यही लग रहा है कि आपको मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मैं मानती हूँ महीन कि आज पार्टी में जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके की बातें लोगों ने की, वो सही नहीं था, नहीं होना चाहिए था। मुझे भी बहुत बुरा लगा है महीन, पर यकीन मानिए इन सब में मेरी कोई गलती नहीं थी। जब मैं आपको किसी बात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रही हूँ तो फिर मैं गलत क्यों? तो फिर जो भी हुआ उस सब का क्या? महीन, वो माया ने एक अंदाजा लगा लिया होगा। आपका उखड़ा हुआ मूड देखकर, मेरी परेशानी को देखकर उसने सोच लिया होगा। उसने क्या सोचा क्या कहा मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा है महीन। मैं तो ये देखकर हैरान हूं कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आज भी शादी के इतने सालों बाद भी आप ये सोचते हैं मेरे बारे में महीन? इस तरीके की बातें कर रहे हैं आप मुझसे? हाँ, कोई बात नहीं, ये आपकी समस्या है महीन। अगर आप मुझ पर यकीन कर पाए या ना पाए, मैं इस बात को अपने दिल पर नहीं लगाऊंगी। लेकिन हाँ, आज मैं आपसे एक बात साफ साफ कह देना चाहती हूँ महीन। आज के बाद आप कभी भी मुझ पर मेरे बच्चों के सामने या इस परिवार के किसी भी सदस्य के सामने फिर से कभी मुझ पर नहीं चले, मुझ पर नहीं चले प्लीज। क्योंकि अब ये सब ना तो मुझे स्वीकार होगा और ना ही मुझसे बर्दाश्त से बर्दाश्त। हेलो। ओह नम्रता, तुम भाभी प्रतिभा भाभी से बात कराइए ना। वो क्या है ना नमो, कि दीदी से बात करने का ये सही टाइम नहीं है। अब जो पता है लेट हो गया, लेकिन इतना भी नहीं हुआ, प्लीज बात कराइए ना। हाँ मैं भी कहाँ ऐसा कह रही हूँ, मेरा मतलब है कि महेन भाई साहब जब से रियूनियन से लौटे हैं बहुत गुस्से में हैं। दीदी पर बरस रहे हैं, आग बबूला हो रहे हैं। उन दोनों के बीच ऐसी लड़ाई मैंने आज तक नहीं देखी। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है, आज लगता है कुछ हो ही जाएगा। क्या? अच्छा देखो, मैंने तुमसे ये सारी बातें कही क्योंकि तुम घर के हो और प्रतिभा दीदी के इतने करीब भी, इसलिए मैंने तुम्हें अपना समझ के सारी बातें बता दी। लेकिन नमो, मेरी तुमसे ना एक रिक्वेस्ट है, तुम्हें मेरी कसम है नमो, तुम दीदी से कुछ मत कहना। हाँ दीदी समझेंगे कि मैंने इधर की बात उधर की, और तुम्हें तो पता है ना नमो कि मुझे चुगलखोरी से कितनी नफरत है। ओके प्रॉमिस। ओके नमो बाय। अच्छा सुनो, ज्यादा टेंशन मत लेना, हाँ बाय, टेक केयर। इन दोनों को रीयूनियन में जाते देखकर तो बहुत दुख हुआ था, मगर अब इनकी तू तू मैं देखकर बड़ा मजा आ रहा है। और इनके इस झगड़े में मेरे गायब किए हुए बैग का भी तड़का है, आखिर मेरी बुद्धि और मेहनत रंग लाई। शाबाश सुनिधि, शाबाश, वेल प्लेड। फो, ये मेरी रिंग कहाँ गिर गई? ओह माय गॉड, दीदी आप हैं? मैंने सोचा कि दीदी आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। क्या हुआ दीदी, सब ठीक तो है ना? रियूनियन में कुछ हुआ क्या? आप लोगों का जो बैग यहाँ रह गया था उसकी वजह से तो महीन भाई साहब गुस्सा नहीं हो रहे ना?
बैग तो महेन ने खुद अपने हाथों से गाड़ी में रखा था ना सुनी थी, फिर वो घर पे कैसे छूट गया? ओ माय गॉड दीदी, आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं? आपको ऐसा लगता है कि मेरा हाथ है इसके पीछे? पहले तो आपने ऐसे कहा कि अनमोल झूठ नहीं बोल सकता, जिसका मतलब है कि मैं झूठ बोल रही थी, और अब तो आप मुझ पे सरासर बैग गायब करने का इल्जाम लगा रही हैं। देखिए दीदी, अगली बार आप मुझ पर ऐसे इल्जाम लगाने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके हाथ में ठोस सबूत हो, ओके? एक मिनट। क्या दीदी, अब क्या प्रॉब्लम है आपको? मुझे यकीन नहीं हो रहा सुनिधि, तुम इतना नीचे गिर सकती हो कि तुम अपनी गंदी चाल में मेरे बेटे को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही? क्या मतलब दीदी? सुनिधि, ये संतरे के जूस का दाग है। हाँ तो? तो मतलब ये कि संतरे के जूस से अनमोल को एलर्जी है। वो इस जूस को हाथ तक नहीं लगाता है क्योंकि उसके चेहरे पर सूजन आ जाती है। आप कहना क्या चाहती दीदी? आप घुमा फिरा कर फिर से मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं घुमा फिरा के नहीं, मैं साफ साफ यकीन के साथ कह रही हूँ सुनिधि कि तुम झूठ बोल रही हो। होना हो, ये बैग छुपाने वाला काम भी तुम्हारा ही किया था। ऐसे कैसे रह सकती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो? सोफे पे ही पूरी रात निकाल दी। कुछ भी ठीक नहीं है, पहली बार मुझे इस सोफे पर रात काटनी पड़ी। नाराज मुझे होना चाहिए और नाराज ये हैं, ये सही नहीं है। ये सही, अगर मैं अपने लिए खुद खड़ी नहीं हुई तो कोई भी नहीं होगा। हाँ शायद थोड़ी बहुत उथल पुथल जरूर होगी, पर ऐसा ही करके जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगा। मैं ही हूं जिसे सबके सामने अपमानित होना पड़ा, मैं ही हूं जिसके दिल को चोट पहुंची, और ये ऐसे जता रही है जैसे सब कुछ इनके साथ हुआ है। कमाल है, आज तक मैंने अपना मान अपमान, अपना दुख दर्द बुलाकर सबके बारे में सोचा है, पर इस बार नहीं। ऐसा ही है तो ठीक है प्रतिभा, मत करो बात। अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी कम नहीं हूं, मुझे भी नहीं करनी कोई बात तुमसे। मैं गलत नहीं हूं महीन, और सच्चाई के लिए मैं कोई भी समझौता अब नहीं करूंगी, इसीलिए इस बार मैं भी पहल नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी, चाहे जो भी हो जाए।